चलिए साहब, इस वक्त हम लाइव आ चुके हैं। सो जितने भी स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियो की आवाज़ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पहुंच रही है, वो एक बार कमेंट में यस लिख के बता दीजिए। फिर आज की इस शानदार, जानदार, ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट अंदाज में आपके आज के इस क्लास की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, एक बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है क्या, क्योंकि यही सबसे बड़ी दिक्कत है सुबह से। समझ रहे हैं बात, सॉफ्टवेयर में साउंड कैप्चर ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से सुबह वाली क्लास भी मोबाइल से लेनी पड़ी। तो क्या अब वो प्रॉब्लम एकदम सटीक तरीके से सॉल्व हो चुकी है? मेरी आवाज़ एकदम बढ़िया से सुनाई दे रही है क्या? तो ओके, यानी कि अच्छे से आवाज पहुंच रही है, बढ़िया बात है। सो स्टूडेंट्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए, फास्ट आज सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 40 प्लस प्रश्न तो हमने पीडीएफ में सिर्फ लिया है। 40 प्लस प्रश्न केवल पीडीएफ का है, उसके एक्स्ट्रा मैं बताऊंगा जो, वो तो अलग चीज है। तो इसलिए अगर धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो समाप्त नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, इसलिए तुरंत और तेजी से सॉल्व करना है। मैं भी तेजी से सॉल्व करूंगा, स्टेप मैं कुछ चुराऊंगा। स्टेप चुराने का मतलब कि पूरा डिटेल में नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स है ये, इसमें आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना है। सो आइए फटाफट अंदाज में स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अंडर रूट में 15 बटे में अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 20 प्लस अंडर रूट में 40 माइनस अंडर रूट में 5 माइनस अंडर रूट में 80 का मान क्या होगा? जल्दी बताइए बच्चों, जितनी जल्दी हो सके फटाफट से आंसर देने का कृपा करें। स्वाति का सी आंसर आ गया, चलिए और कोई। देखिए, यहां से मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है बच्चों? 15 और बटे में, यहीं से सारा खेल होगा। 10 को आप क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 10 ही लिख सकते हैं। 20 को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? दो दुनिया के 4 5 20, दो अंडर रूट में 5 लिख सकते हैं 20 को, ठीक है। 40 को आप क्या लिख सकते हैं? दो दुनिया के 4 10 में 40, 4 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। अंडर रूट 5 को यही लिख सकते हैं। और 80 को क्या लिख सकते हैं? 4 4 16 5 80, तो 4 अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 वाले को एक तरफ और अंडर रूट 10 वाले को एक तरफ कर लेंगे, तो अंडर रूट 10 प्लस 4 अंडर रूट 10, तो कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे है 4 अंडर रूट 10, सॉरी, दो दुनी के 4 10 में 40, दो अंडर रूट 4 10 होगा। तो ये हो गया आपका कितना? 2 अंडर रूट 10, 2 अंडर रूट 10 मतलब अंडर रूट 40, 2 अंडर रूट 10 और 1 अंडर रूट 10, ये हो गया आपका 3 अंडर रूट में 10, ठीक है। और माइनस, यहाँ पे देखिए 4 अंडर रूट 5 माइनस में है और अंडर रूट 5 माइनस में है, तो 4 1 5 अंडर रूट 5 माइनस में है और इसमें प्लस 2 अंडर रूट 5 जोड़ेंगे तो माइनस 3 अंडर रूट 5 बचेगा। इतनी बातें क्लियर हैं। अब 3 को यहीं से बच्चों कॉमन ले लीजिए, नीचे से आप 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 को जैसे ही आप कॉमन ले लेंगे तो 3 आ जाएगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5, 3 से काटेंगे 3 5 15, 5 बटे में अंडर रूट में 10 और माइनस अंडर रूट में 5, इसका परमीकरण करेंगे अर्थात अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 5 और बटे में अंडर रूट में 10 प्लस अंडर रूट में 5, इसका परमीकरण करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा अंडर रूट में 10 और प्लस अंडर रूट में 5। इसका मतलब क्या है? अंडर रूट 5 कॉमन लेंगे तो अंडर रूट में 2 प्लस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, एंट्रेंस में भी बच्चों इतना ही शॉर्ट में करना है, क्योंकि आपको पेज नहीं मिलेगा, रफ नहीं मिलेगा, आपको उसी पर क्वेश्चन की आरी पारी या नीचे कुछ जगह दिया जाता है उसी में सॉल्व करना है। सो थोड़ा सा तेजी में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। a^1/x बराबर b^1/y बराबर c^1/z बराबर एवं b² बराबर, अगर ac हो तो x + z का मान बताइए।
जल्दी बताइए। गुड मॉर्निंग अमृता, गुड मॉर्निंग निशु। जल्दी बताइए आंसर। बी आंसर इसका मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। देखिए धुरंधर बैच में बच्चों मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करवाया है कि अगर इतना यानी ए टू द पावर वन अपॉन एक्स बराबर बी टू द पावर वन अपॉन वाई बराबर सी टू द पावर वन अपॉन जेड बराबर मान लेते हैं के, एक नियतांक हम के मान लेते हैं, तो इस प्रकार से ए का मान निकालेंगे तो ये एक्स जो है वो इस के पर चला जाएगा, या इसको इसको लेंगे और लिखेंगे x की पावर से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो ये a बराबर हो जाएगा k टू द पावर x, इसी तरह से b बराबर हो जाएगा k टू द पावर y, और इसी तरह से c बराबर ये z यहां पे चला जाएगा k के ऊपर, तो c बराबर k की पावर z। अब हमको बच्चों इसका मान निकालना है, तो जब इसका मान निकालना है तो नीचे लेके आइए b का मान रखिए k की पावर y और इसका स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी, ए का मान है के की पावर एक्स और इंटू के की पावर जेड, ये जेड है सॉरी ये है जेड, ठीक है ओके। तो अब यहां पे के दोनों के तरफ समान है तो के की पावर एक्स प्लस जेड हो जाएगा, क्लियर है, और इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा के की पावर टू वाई बराबर के की पावर एक्स प्लस जेड। बच्चों दोनों तरफ आधार समान है, घात आपस में बराबर हो जाएगा यानी कि 2y बराबर x प्लस जेड हो जाएगा। तो क्या आपको वैल्यू पता है x प्लस जेड का मान कितना आया? 2y, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी चलते हैं बच्चों क्योंकि 40 प्रश्न आज सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्रैश कोर्स मतलब ज्यादा क्वेश्चन कम समय में, एग्जाम की तैयारी कैसे होती है, असली तैयारी क्रैश कोर्स में ही होगी, आपको स्पीड पकड़ना सिखाया जाएगा। देखिए कह रहा है कि अंडर रूट में 3/7 की पावर एक्स प्लस 1 बराबर 343/27 हो तो इस स्थिति में एक्स का मान कितना होगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बड़े अच्छे अंदाज में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए तो यहां पे आइए बच्चों, यहां पे आएंगे तो आप इसको देख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3/7 की पावर एक्स प्लस 1 बराबर 343 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का क्यूब और बटे में 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। अब बच्चों अंडर रूट को आप सॉल्व करिए, अंडर रूट मतलब 1/2 किसी भी चीज की पावर, यानी 3/7 बराबर एक्स 3/7 की पावर एक्स प्लस 1/2, हमने बटा में 2 लिखा तो अंडर रूट हटा दिया क्योंकि 1/2 अंडर रूट ही होता है, बराबर 7/3 का होल क्यूब। बच्चों देखिए एक जगह है 3/7 एक जगह है 7/3, तो अगर आप इसको उलाटेंगे पलाटेंगे तो आपका घात भी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा वरना समझ नहीं आएगा, क्लियर है बात। तो ये कितना हो जाएगा अगर हम यहां से इस चीज को सॉल्व करें तो आराम से हो जाएगा कि 3/7 की पावर एक्स प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, तीन बटा सात की पावर 1/3, क्यों ऐसा सही है कि कुछ गड़बड़ा रहा है, करके देखते हैं।
तो दोनों तरफ घात आधार बराबर है, तो घात की तुलना कर देंगे तो 3x प्लस 3 बराबर 2, तो 3x बराबर 2 में से 3 गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है बच्चों, ध्यान से सॉल्व करिए। देखिए कहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, चेक करिए बच्चों, कुछ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या। 3/7 बराबर 7/3 दिया गया है, 7/3 का होल क्यूब, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाँ ये ओहो सही बात है, मतलब आप जानते हैं कि a की पावर -1 बराबर 1/a होता है, तो जब ये 7/3 को आपको 3/7 करना होगा, 7/3 को 3/7 आपको यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पता है कितना बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -3, पहले से तो 3 था लेकिन जब 7/3 को हम 3/7 करेंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब आधार की तुलना कर दीजिए तो एक्स प्लस 1/2 बराबर -3, गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 बराबर -6, तो एक्स बराबर -6 और -1, एक्स बराबर -7, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अंडर रूट में एक्स बटा वाई प्लस अंडर रूट में वाई बटा एक्स बराबर 10/3 है और एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और क्वेश्चन को बस 2-3 लाइन में सॉल्व करना है, जल्दी से। सो ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का इसमें, उस इसमें आ रहा है कि ऊपर वाले में आ रहा है, चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका भी ये आंसर आ रहा है। ओके देखते हैं, देखिए अंडर रूट में एक्स बटा वाई और प्लस अंडर रूट में वाई बटा एक्स है बराबर 10/3, अगर आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम अंडर रूट एक्स वाई हो गया, अब वाई से वाई कट गया तो अंडर रूट में एक्स का अंडर रूट में एक्स के गुणा करेंगे तो एक्स, और फिर अंडर रूट में वाई का अंडर रूट में वाई से गुणा करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 10/3, और बच्चों एक्स प्लस वाई का मान भी 10 दिया गया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 अंडर रूट में एक्स वाई बराबर 10/3, 10 से 10 कट गया, इसका गुणा इधर कर दीजिए तो एक्स वाई बराबर 3 हो जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स वाई बराबर 3 का स्क्वायर यानी कि 9, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे बताइए, वरना नेक्स्ट लिखिए कमेंट में, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट अंदाज में आगे बढ़ता हूं। देखिए स्पीड आपके ऊपर निर्भर करती है बच्चों, 40 क्वेश्चन कम नहीं होते पीडीएफ वाले, सो जल्दी जल्दी बताइए तभी जो है वो आज खत्म हो पाएगा, वरना क्वेश्चन अधूरा छूट जाएगा, इसलिए फटाफट नेक्स्ट लिखिए अगर आपको सारा चीज क्लियर हो चुका है तो। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। कह रहा है कि 2^3 और फिर 2^3 और डिवाइडेड बाय 2^3 और इसकी पावर 2 और इसकी पावर 3 का मान कितना होगा, फटाफट सर न्यू क्वेश्चन कराइए। अरे घोचू, न्यू क्वेश्चन करके क्या करेंगे भाई, आप जरा ये सोचिए कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उनकी प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है कि नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वही तो आएगा क्वेश्चन। अद हो गई, आईआईटी का एग्जाम थोड़ी है कि आपका क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, इसमें हर साल में 10-12 को क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सो थोड़ा होशियारी से काम करिए सुधीर, ठीक है। देखिए बच्चों इसको सॉल्व करिए, 2^3 मतलब 8 होता है, तो 2^3 की पावर 8 और डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 6 = 36 = 18, 2^18। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 2^3 की पावर 8 मतलब कितना होता है बच्चों, 3 की पावर 8 मतलब कितना होता है, तो 3 की पावर 8 मतलब होता है 2 की पावर 65
61 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 18 मतलब बटे में है तो ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 65 61 और -18 तो घटाइए तो 2 की पावर 65 43 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर निकल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जल्दी से सॉल्व करिए इसका मान बताइए फटाफट इसका मान बताइए फटाफट। इसको मैंने रट लिया है वाह वेरी गुड स्वाति। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान है आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर -1 और इंटू 3 की पावर 2x और इंटू 3 की पावर 1 और फिर इंटू 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y और इंटू 6 की पावर y इंटू 6 की पावर -2 और बटे में 3 की पावर y और इंटू 6 की पावर x है तो 3 × 2 = 6 2 की पावर x और 3 की पावर x ठीक है। ठीक है बच्चों और फिर आप इसको लिखेंगे 10 को तो 10 को 2 × 5 = 10 2 की पावर y इंटू 5 की पावर y नहीं गड़बड़ हो गया तो आप इसको अलग अलग पहले लिखिए 10 की पावर y प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 10 की पावर y और इंटू 10 की पावर 2 ठीक है और इंटू 15 की पावर x और इंटू 15 की पावर -1। अब ऊपर नीचे करके कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा बट कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं कितना आंसर निकल के आ जाएगा भाई तो आंसर आपका निकल के आ जाएगा 1/960। इसको मैंने धुरंधर बैच में सॉल्व करा दिया है जो भी बच्चे धुरंधर बैच में जुड़े हैं वो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है ना वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8/27 की पावर -1/3 गुणे 81/16 की पावर 3/4 और भागे 32/243 की पावर -2/5 का मान क्या होगा। रटिए मत स्वाति रटने का क्या मतलब है आप इसको जो है वो सॉल्व करना सीखिए रटना कोई अच्छी बात थोड़ी है अगर वैल्यू बदल देगा तो क्या करेंगी तब क्या करेंगी तब तो रटना निकल जाएगा 2 मिनट में बिल्कुल। देखिए बच्चों 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 8 को और 3 की पावर 3 27 को इसकी पावर -1/3 है और इंटू 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और बटे में 16 को 2 की पावर 4 इसकी पावर 3/4 है और डिवाइडेड बाई 32 को आप क्या लिख सकते हैं 2 × 4 × 8 × 16 × 32 2 की पावर 5 और बटे में 3 की पावर 5 की पावर -3/5 ठीक है। साक्षी दिमाग लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व करिए कैलकुलेशन मैं थोड़ी बताऊंगा कैलकुलेशन तो आपको सॉल्व करना चाहिए साक्षी। अब यहां से आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करने में क्या है इस 10 को आप कर दीजिएगा 2 की पावर y और × 5 की पावर y और ये तो 100 हो गया ये तो 100 हो गया 15 को आप कर दीजिएगा 5 की पावर x × 3 की पावर x 5 × 15 और उसके बाद जो माइनस वाला है उसको ऊपर भेज दीजिए जो इधर वाला माइनस का है उसको नीचे भेज दीजिए काट दीजिए जो कटेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं 2 की पावर x यहां पे है 2 की पावर x यहां पे है कट गया समझ रहे बात 5 की पावर y यहां पे है 5 की पावर y यहां पे है कट गया 5 की पावर x यहां पे है 5 की पावर x यहां पे है तो बचेगा लास्ट में कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे गुणा कर लेंगे आंसर निकल के आ जाएगा। So, यहां तक आपने सॉल्व कर लिया बच्चों अब जरा देखिए अगर हम इसकी पावर पूरा लिखेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 2/3 की पावर -1 और इंटू इसको काटेंगे तो 4 से 4 घात कट जाएगा तो 3/2 की पावर 3 बचेगा और डिवाइडेड बाई 2/3 की पावर -2 बचेगा
अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2/3 की पावर -1/2 यानी कि 3/2 इंटू 9/4 और इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 की पावर 2 हो गया, या इंटू मत कीजिए डिवाइड ही करिए, और डिवाइड करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4, 9/4 करेंगे गुणा करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, तो 3/2 × 9/4 और × 4/9, ये देखिए 4 से 4 कट गया, 9 से 9 कट गया, 3/2 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कोई नहीं है, क्या कहीं गड़बड़ी हुई, ओहो जल्दबाजी में हो गया आटा गीला, कहां हुआ है आटा गीला, आप पकड़िए जरा, देखिए पकड़ना भी, गलती को पकड़ना भी बहुत बड़ी कला है, देखिए कहां गीला हुआ है आटा, तो 2/3 की पावर -1 = क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2 लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही है भाई, ये तो बिल्कुल सही है, यहां पे देखिए आटा गीला हुआ है, 3 की पावर 3 होता है, 3 × 3 = 27 और 2 की पावर 3 होता है 8, अब सही है, और इंटू 3/2 की पावर 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/4, अब काटिए, अब काटिए, नहीं गुणा, ये डिवाइड में करेंगे तब 9/4 आएगा, नहीं तो अगर गुणा करेंगे तो 4/9 आएगा, 9 × 3 = 27 और 4 × 2 = 8, 3 × 3 में गुणा करेंगे तो 9 × 2 = 2 में गुणा करेंगे तो 4, 9/4 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को धनाधन सॉल्व कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन को तो बच्चों उड़ा सकते हैं आप, उड़ा, अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो, और धुरंधर बैच में तो आप जानते ही हैं कि कैसे आपको बताया गया है, समझ रहे बात, जो भी क्रैश कोर्स में बच्चे एडमिशन लिए हैं अगर मैथ में कोई भी दिक्कत है तो आप कॉल कर लीजिएगा और बता दीजिएगा, ठीक है, जो सिर्फ क्रैश कोर्स का एडमिशन लिए हैं और धुरंधर बैच का नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि धुरंधर बैच में मैथ को डिटेल में पढ़ाया गया है एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस क्वेश्चन में है p+1/q^m और p-1/q^m बटे में q+1/p^m और इंटू q-1/p^m, आंसर बताइए इसका, इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा, ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, p/q^2m, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है सर। सॉल्व कैसे होगा ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये करना है यहां पे कि देखिए ऊपर हो जाएगा आपका p²-1/q²^m और बटे में q² - 1/p²^m, इतना बात क्लियर है, या फिर कुछ और तरीका अपनाया जाए जिससे शॉर्ट में सॉल्व हो जाए। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य यह है कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, आप बताइए कोई ऐसा ट्रिक जिससे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा, कोई ट्रिक बताइए बच्चों फटाफट, कौन बताएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम शॉर्ट सा ट्रिक जिससे माध्यम से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाए बिना किसी दिक्कत बिना किसी परेशानी के, है कोई ट्रिक ऐसा, बिल्कुल है सर, कौन सा ट्रिक है सर, कौन सा ट्रिक है बच्चा, ट्रिक ये है कि आप इसको करने से बढ़िया है कि आप ऐसा कर लीजिए कि इनका बटा का एलसीएम कर दीजिए, पहली बात तो ये हो जाएगा आपका PQ+1/Q^m और इंटू PQ-1/Q^m और बटे में इसका कर लीजिए तो PQ+1 और बटे में P की पावर m और इंटू P
पी क्यू माइनस वन और बटे में पी की पावर एम, और दोनों को आप अलग अलग करके ऊपर नीचे कर दीजिए। क्लियर बात? तो दोनों को आप अलग अलग करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको अब देखिए डायरेक्ट नहीं करके अलग अलग ही कर देते हैं। तो आइए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सिर्फ ये तरीका अपनाना है। पूरे का स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर पे m और इसके पे m और इसके पे m और बटे में इसके पे m, क्योंकि ए स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, तो वैसे ही हमने किया। इसी तरह से इसको भी हम m कर देंगे और बटे में p की पावर m, इसी तरह इसको भी m और बटे में p की पावर m। अब ऊपर का ऊपर गुणा मतलब बीच वाले का बीच वाले में गुणा और नीचे वाले का ऊपर वाले में गुणा। तो कैसे गुणा करेंगे आप एक बार जरा ध्यान से समझिए और ध्यान से चीजों को याद रखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए पी क्यू प्लस वन की पावर m और पी क्यू माइनस वन की पावर m और इंटू पी की पावर m, नीचे वाला सबसे ऊपर जा रहा है, और इंटू पी की पावर m और बटे में पी क्यू प्लस वन की पावर m और इंटू पी क्यू माइनस वन की पावर m और इंटू क्यू की पावर m और इंटू क्यू की पावर m। आप देखिए इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो ऊपर क्या बचा p की पावर 2m और बटे में q की पावर 2m। और अगेन स्टूडेंट हम क्या p बटा q की पावर 2m टोटल को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा मैं दो तरीके से सॉल्व करने के चक्कर में लेट लग गया, वरना ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही तेजी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो आप इस तरीके को अपनाएंगे तो वेरी गुड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और फटाफट से मैथ का बवाल खत्म करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है, ये है 7 की पावर 0 इंटू 25 की पावर माइनस 3 बटा 2 और माइनस 5 की पावर माइनस 3 का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। कोई बात नहीं रितेश, जल्दी से आंसर बताइए। चलिए बहुत हो गया टाइम मैंने दे दिया आपको। देखिए किसी की पावर जीरो मतलब होता है एक, और 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, इस 2 से ये 2 कट गया तो 5 की पावर माइनस 3, 5 की पावर माइनस 3 मतलब 1/125, ठीक है? और माइनस फिर 5 की पावर माइनस 3 मतलब 1/125, ये प्लस में 1/125 है, ये माइनस में कट के 0। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चों, समझ रहे बात? वेरी गुड। और अगर आपका कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहता है और आपको अच्छा लग रहा है क्रैश कोर्स, तो उसको ये नंबर जरूर बताइए ताकि वो कॉल करके क्रैश कोर्स में जुड़े और 30 दिनों तक सबसे तगड़ी तैयारी कर पाए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। आइए फिजिक्स की दुनिया में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दुनिया में सदिश राशि है, जल्दी बताइए। मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। और ट्रिक क्या है इसको याद करने की? तो ट्रिक है विषुवत बल। विषुवत बल मतलब विस्थापन, संवेग, वेग, त्वरण और बल, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, वो सदिश राशियां है। तो इसमें कौन दिख रहा है? वेग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल, दो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दूसरा,
दो समान वेक्टर का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण कितना होगा? दो वेक्टर हैं, दोनों समान हैं, यानी वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, दोनों इक्वल हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा? अगर मतलब इनका परिणामी शून्य है, आर का मान शून्य है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा दोनों वेक्टरों के? तो आप जानते हैं आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आप जानते हैं कि दो सदिशों का परिणामी शून्य कब होता है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री लगाया जाता है। दो समान सदिशों का परिणामी कब शून्य होता है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि परिणामी r बराबर a प्लस b में जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तो r का मान आ जाएगा a माइनस बी। अब जब a और b दोनों बराबर हैं तो r बराबर a और माइनस बी की जगह पे भी a रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है तो बराबर जीरो हो जाएगा। सो कितने डिग्री कोण पर? 180 डिग्री कोण पे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सदिश राशि है? फिर वही बात आई। सो जल्दी से बताइए, एक और ट्रिक जान जाइए। सर ये तो कल हो गए थे, फ्री क्लास में हुआ था किम जोन, ये पेड क्लास में नहीं हुआ था। क्रैश कोर्स को हम शुरुआती से डिजाइन कर रहे हैं, मैथ का पहला चैप्टर, फिजिक्स का पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, इस तरह से मैथ का दूसरा चैप्टर, फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, इस तरह से। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्रैश कोर्स में हुआ था, बल्कि कल क्रैश कोर्स में मापन के इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने कराया था। क्लियर है बात? बिल्कुल। तो वैद्युत क्षेत्र बच्चों एक सदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहचानने के लिए बच्चों काफी आएगा, सो पहचान आपको बनानी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी कि कौन सदिश है कौन अदिश है। तो अदिशों को याद करने की ट्रिक, उस आर्द्रता को चाबी दो। ध्यान से सुनिएगा, उ मतलब ऊर्जा, स मतलब समय, आ मतलब आयतन, द्र मतलब द्रव्यमान, ता मतलब ताप, का मतलब कार्य, चा मतलब चाल, बी मतलब विद्युत धारा और दा मतलब दाब। इस प्रकार से बच्चों आप सभी को याद रख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा एक है जो इसमें मौजूद है? सो आयतन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये एक अदिश राशि है, सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बाकी सभी सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु पर 4 न्यूटन का तथा 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं, यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री है तो बलों का परिणामी क्या होगा? कम ऑन स्टूडेंट्स, आंसर जल्दी से आना चाहिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा स्पीड तेज करिए। मात्र 26 मिनट और टाइम है आपके पास, सो उसी में अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। सो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि दो सदिशों के परिणामी निकालने का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। रखिए, मान को रखिए। तो आर का मान निकालना है, ए का मान है 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2×4×3, यानी 4×3=12, सीधे क्या लिखिए 24 cos थीटा 24, और cos थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, cos 90 का मान होता है 0, सो ये r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 + 9=25, तो r बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25 का वर्गमूल 5। आंसर बी इज द राइट आंसर। सेकंड भर भी लगा बच्चों, एक मिनट भी लगा नहीं, 10 सेकंड में सॉल्व हो गया सर।
और सोचिए जब आपको बताना है तब, वरना ये क्वेश्चन मन में सॉल्व हो जाएगा, भैया परिणाम ही है 90 डिग्री, बीच का कोण है 90 डिग्री, तो कॉस का मामला खत्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधे कर दीजिए, तो 4 का 16 प्लस 9 25 5 आंसर आ गया सीधे, ऐसा दिमाग लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से। 300 न्यूटन के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर हैं, उनका मान कितना होगा? बच्चों देखिए, इसमें मैं आपको हिंट दे देता हूं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हिंट्स, 300 न्यूटन के दो बल है यानी परिणामी का मान 300 न्यूटन है, और समान विघटित बल है यानी ए बराबर बी है या एफ वन बराबर एफ टू है, जो भी आप लिखें, ठीक है, ठीक है, दोनों बल समान है और इनके बीच का कोण थीटा का मान आपका दिया गया है 60 डिग्री। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इसी में बी की जगह पे आप ए रख दीजिएगा और थीटा की जगह पे 60 डिग्री और आर की जगह पे 300। आप आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, पक्का है आ जाएगा। सो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आपको बता दिया गया है, आपको स्मार्ट कोर्स दे दिया गया है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से बच्चों फटाफट, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? केमिस्ट्री की दुनिया स्टार्ट। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? एग्जाम नजदीक है, सो सीरियस हो के एकदम पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है? मैं क्या समझूं आपको, जल्दी बताइए। देखिए, परिवर्तन दो प्रकार का होता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और एक होता है जो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है बच्चों, कि एक अगर उत्पाद से कोई प्रोडक्ट बन गया तो फिर उस प्रोडक्ट से आप उत्पाद नहीं बना सकते। जैसे अगर दूध से दही बन गया तो क्या आप चाहेंगे दही से दूध बना लेना तो बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो ऐसा चीज जिसमें उत्पाद बनने के बाद फिर उस उत्पाद से हम प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त नहीं कर पाते, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। सो दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे ही पानी का बर्फ बनना ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फिर बर्फ को पिघला देंगे तो वो पानी बन जाएगा। सो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, ठोस अवस्था में अणुओं की गतिज ऊर्जा कितनी होती है? कम ऑन स्टूडेंट, जल्दी से आंसर दीजिए, रुकना नहीं चाहिए आंसर। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार प्रस्तुति आपकी तरफ से। आ गया भाई, हाँ, तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? डी आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है कि ठोस में अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है वो द्रव के अणुओं से कम होती है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतराणविक बल अधिक होता है किसमें, ठोसों में, द्रवों में या गैसों में? अंतराणुक बल किसी भी पदार्थ के अंदर जो बल लगता है जिसके कारण वो बल लगता है वो अंतराणुक बल कहलाता है। तो अंतराणुक बल किस में जाता है, ठोस वस्तु में या द्रव में या गैस में? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है भाई, वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसीलिए सॉलिड जो है वो कठोर होते हैं, क्योंकि अंतराणु बल इसमें ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को क्या कहते हैं? यह क्वेश्चन मैंने आपको सारा का सारा स्मार्ट कोर्स में पढ़ा दिया है,
जो मैंने आपको दिया था ऑफलाइन बैच, सबको क्लियर किया गया है और डिटेल वाइज थ्योरी अलग और क्वेश्चन आंसर अलग। सो जल्दी से बता दीजिए, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वो ताप क्या कहलाता है? तो वो ताप कहलाता है बच्चों क्वथनांक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, दो निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? तो ये तो बता चुका हूं मैं, आयतन। दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम कब होता है ये बताइए, दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम कब होगा? सबसे कम तो थीटा बराबर, बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया था अभी कि थीटा बराबर 180 डिग्री पर परिणामी का मान न्यूनतम होता है और क्या होता है a माइनस बी, और थीटा बराबर 0 डिग्री पर परिणामी का मान अधिकतम होता है और क्या होता है a प्लस बी, और थीटा बराबर 90 डिग्री पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है, क्लियर है बात? बिल्कुल सही बात है। सो ये दो चीज आपको याद रखना है बच्चों। सो न्यूनतम कब होगा? थीटा बराबर 180 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी डी इज द राइट आंसर, क्लियर है बात? डी होगा, डी। अगला क्वेश्चन, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होता है? अभी लिख दिया, उसी क्वेश्चन के नीचे लिखा है। सो जल्दी बताइए अधिकतम परिणामी कब होगा? दो सदिशों का परिणामी अधिकतम कब होगा बच्चों? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए आंसर। अरे बड़ा पिटाई होगी बच्चा, अभी बताया था ना। हाँ हाँ सही बात है, सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अंतरा अड़ुक बल नगण्य होता है। तो जब अंतरा अड़ुक बल ठोसों में नगण्य होता है तो गैसों में सबसे मन अंतराणुक बल ठोसों में सबसे अधिक होता है तो गैसों में सबसे कम होगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, कौन से पदार्थ को ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं? ऊर्ध्वपातज पदार्थ किसे कहते हैं? मैंने कल बताया था कि फ्री क्लास में कि किसी भी कोई भी अगर पदार्थ है और इसको गर्म किया जाए तो बिना वो द्रव अवस्था में बदले, अगर सीधे वो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है तो उसी को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। जैसे नौशादर हो गया, इसके अलावा कपूर हो गया, ये सभी ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? तो क्रिस्टलीय ठोस तो शर्करा होता है, यानी शक्कर चीनी, इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? जल्दी बताइए। प्रेशर कुकर में आप देखते हैं कि दाल बनाना हो, चाहे भात बनाना हो, चाहे कुछ भी बनाना हो, तुरंत हम कुकर में उसको सीटी लगवा देते हैं। तो क्यों लगवाते हैं? क्योंकि जल्दी बन जाएगा। और क्यों जल्दी बनता है ये आप मुझे बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए, तो वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आप में से काफी सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बेहतरीन। ए आंसर मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है। जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ने के कारण उसका ताप बढ़ जाता है और वो
खाना जल्दी पक जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है? ऊर्ध्वपातन में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया होती है, जल्दी बताइए। ऊर्ध्वपातन में सबसे पहले कौन सी क्रिया होती है? वेरी गुड। गर्मी पाकर अणुओं की गतिज ऊर्जा में अत्यधिक वृद्धि होती है, उसके बाद वो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूगर्भ में अर्थात पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, पूछ रहा है बच्चों धातु, धातु कौन सा है? पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सा है? और बच्चों कल धुरंधर बैच का टेस्ट हुआ और टेस्ट में आप में से बड़ा कम ही बच्चों ने जो है वो स्टार पाया है। क्यों भाई, ज्यादा हार्ड हो गया था क्या टेस्ट? शिकायत बहुत आ रही है, पिटाई हो जाएगी। सिर्फ चार बच्चों को 100 में 100 मिला है और वही स्टार स्टूडेंट हैं, बाकी सोए थे क्या? गलत बात, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सुहेल स्टार स्टूडेंट हैं, लवली कुमारी स्टार स्टूडेंट हैं, काजल कुमारी स्टार स्टूडेंट हैं एंड विकास चौधरी स्टार स्टूडेंट हैं। इसके अलावा किसी का 100 में 100 नहीं आया। जल्दबाजी मत करिए बच्चों, टेस्ट दे रहा हूं तो ध्यान से आप सॉल्व करा करिए। हाँ, सो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम और जब तत्व तो पूछ देगा तो वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती हैं? क्वथनांक को कम कर देती हैं या क्वथनांक को बढ़ा देती हैं या हिमांक को बढ़ा देती हैं या इनमें से हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जल्दी बताइए। जल में घुलनशील अशुद्धियां क्या करती हैं? सिंपी, आपका भी 100 में 100 था। सिंपी, ओ हो, देखिए सिंपी का 100 में 100 था बट स्टार पॉइंट देना देने के टाइम दिखा नहीं। एक्चुअली सिंपी आप अपना नाम थोड़ा बड़ा लिखा करिए, केवल सिंपी लिख देती हैं तो गलत मतलब दिखता नहीं है। आप सिंपी कुमारी भी लिखा करिए, ठीक है, सिंपी कुमारी लिखेंगी तो थोड़ा सा बड़ा नाम दिखेगा तो 100 में 100 पाई होंगी तो स्टार पॉइंट मिलेगा। देखिए आपका 100 में 100 है लेकिन स्टार पॉइंट नहीं दिया गया है, दिखाई नहीं मुझे क्योंकि छोटा सा नाम है। ठीक है सिंपी, तो सिंपी कुमारी इसके बाद लिखिएगा। ओके, तो क्वथनांक को बच्चों क्या कर देती हैं? बढ़ा देती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को क्या कहते हैं? अभी बताया था क्वथनांक, अभी बताया था मैंने क्वथनांक, वेरी गुड। सर हमारा रिजल्ट नहीं मिला, तो गुलशन आप टेस्ट के बाद अगर रिजल्ट देंगे तो रिजल्ट वो कंसीडर नहीं होगा, ओनली टेलीग्राम में उसी समय के अंदर जितने भी बच्चे भेजेंगे सिर्फ उन्हीं का चेक होगा कॉपी, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है, मैं बड़ा मुश्किल से वही टेस्ट की कॉपी जांच पाता हूँ, तो इधर उधर मत भेजा करिए। सर टेस्ट कहाँ पर होता है? धुरंधर बैच में, आलोक व्यास। क्वथनांक हो गया। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का ताप बढ़ाने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ का ताप बढ़ा देंगे तो अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो इसके एग्जांपल को समझिए, तावा पे बच्चों अगर आप मक्के के दाने को अगर मतलब रखेंगे गर्म तावा पर, वो क्या करेगा? उछलता है, फूटता है, तो ठीक है, क्या कहते हैं उसको,
पॉपकॉर्न, और हिंदी में क्या कहते हैं, भोजपुरी में मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को याद है मक्के के पॉपकॉर्न को, पॉपकॉर्न को भोजपुरी में क्या कहते हैं वो बताइएगा। सो जैसे ही गर्म तावे पे इसको रखेंगे तो इसकी गति बढ़ जाती है, उछलने लगता है तुरंत और फूटने लगता है वो। वैसे ही अगर पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे तो उनके अंदर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने लगेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म यौगिक को प्रदर्शित करता है? तो सिंपल है बच्चों, पानी और साबुन, ये दोनों यौगिक हैं, इन दोनों का सूत्र भी आप जानते हैं। लावा, हाँ लावा भी होता है, भुट्टा, भुट्टा भी होता है, बाल, बाल भी कहते हैं, लावा भी कहते हैं, लावा, लावा ज्यादा कहते हैं। और लावा बच्चों एक और चीज का होता है, धान का। क्रैश कोर्स में टेस्ट नहीं होता है मुकेश, धुरंधर बैच में होता है। हुरहा, हुरहा उसको, हाँ हुरहा भी कहते हैं, हुरा नहीं हुरहा। और बचपन में जब आग जलता था ठंडी के दिन में, तो उसमें हम लोग धान के कुछ बीज को डाल देते थे जिससे उसका लावा निकलता था। तो एक एक लावा को खाने में जितना आनंद आता था बच्चों, मैं क्या बताऊँ आपको, समझ रहे बात? एक एक लावा को चुन के खाते थे, एक एक लावा को जो फूटता था उसमें था, और वो इतनी ज्यादा खुशी थी, लगता था कि कोई जंग जीत लिया है हमने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा। नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है किस प्रक्रिया द्वारा? जल्दी बताइए, नौशादर और नमक को पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल रितेश, नौशादर और नमक को किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है? सो ऑप्शन नंबर मैक्सिमम बच्चों का क्या आ रहा है, सी इज द राइट आंसर, ऊर्ध्वपातन द्वारा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, मतलब कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाष्प का बनना। क्योंकि आप देखे होंगे बच्चों कि जब भी वाष्प बनता है तो यही पानी का, पानी को गर्म कर देने पर वाष्प बनने लगता है, और इन्हीं वाष्प को एक जगह इकट्ठा करके और ठंडा कर दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए तो फिर ये पानी बन के नीचे आ जाएगा, सो पानी बन जाता है। तो दोनों प्रक्रिया एक ही साथ होती है, इसका मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। सो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि कौन रासायनिक परिवर्तन नहीं है, सो वाष्प का बनना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जरा देखिए सॉल्व करिए फटाफट। निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व है, तत्व कौन सा है जल्दी बताइए। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। सो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को ध्यान से देखते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, और वो जवाब से आप संतुष्ट हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, बट मैं संतुष्ट हूँ। मैग्नीशियम जो है वो क्या है, ये एक तत्व है जिसका संकेत Mg होता है, ठीक है। फिटकरी का सूत्र
K2SO4 into Al2SO4 का whole thrice into 24H2O, ये याद रखेंगे, very important, फिटकरी का सूत्र। ये कौन सा लवड़ है, ये मैंने बताया अभी था आपको बच्चों, ये मैंने आपको बताया भी था कि फिटकरी कौन सा लवड़ है, जल्दी बताइए फिटकरी बच्चों कौन सा लवड़ है। बिल्कुल सही बताया मैक्सिमम बच्चों ने, बहुत बढ़िया। फिटकरी एक द्विक लवड़ है, कौन सा लवड़ है बच्चों, द्विक लवड़। अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसमें यौगिक की ओर और अधिक मात्रा घोली जा सकती है वो पदार्थ कौन सा पदार्थ कहलाता है, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें यौगिक की और मात्रा घोली जा सकती है उस पदार्थ को हम कौन सा पदार्थ कहते हैं। तो बिल्कुल सही कहा, आर्द्रता ग्राही पदार्थ, आर्द्रता ग्राही पदार्थ में यौगिक की और मात्रा आप घोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नौशादर और नमक को पृथक्करण किया जा सकता है, अभी बताया आपको, अभी आपको बताया ऊर्ध्वपातन द्वारा। सो यहां पे बच्चों आपका ये पूरा क्रैश कोर्स का दूसरा दिन खत्म होता है और इसमें हमने 40 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया। इस वीडियो को शेयर नहीं करना है क्योंकि प्राइवेट ग्रुप का वीडियो है, शेयर जैसे ही किया आप तैसे ही ग्रुप से ब्लॉक हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे अपने आप ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस से, और इसके बाद जोड़ने के लिए कहेंगे मैं जोड़ूंगा नहीं। सो प्राइवेट ग्रुप है, आपने फीस दिया है, इसका इस्तेमाल खुद आप करिए, क्लियर है। सो इस बात का आप बच्चों ध्यान रखेंगे। सो 88 26 39 60 22 नंबर में कॉल करके आप अपने दोस्तों को कहिए कि जुड़े, जो भी आपके दोस्त हैं जो क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं या धुरंधर बैच में जुड़ना चाहते हैं उनको जरूर ऐड करवाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम की अच्छी तैयारी करते रहिए, ठीक है। सर क्लास ज़्यादा ही अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, वेरी गुड सिंपी, और ऐसे ही तैयारी बच्चों करते रहिए, हम पूरा सपोर्ट आपको करते रहेंगे। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं।